आम और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि हुई है सर, काफी पहले ओलावृष्टि हुई थी, तो हमने उसका मौके पे जायजा तहसीलदार रेवेन्यू अधिकारी के माध्यम से कराया जा रहा है। तो अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं तो उसमें ओलावृष्टि हुई है, लेकिन कोई उससे इतना अभी नुकसान नहीं है, लेकिन आकलन का सही नुकसान तो ओलावृष्टि के 4-5 दिन बाद पता लगता है। तो प्रारंभिक जो जांच है उसमें नुकसान का अभी कोई ऐसा आकलन आया नहीं है, लेकिन कहाँ जी 10-15% ओलावृष्टि हुई है, जैसी वो रिपोर्ट्स आएगी तो उसके अकॉर्डिंगली सरकार को रिपोर्ट भेज दी जाएगी और आगे का कार्य। थैंक यू, थैंक यू। 2 दिन पूर्व बरसात व ओलावृष्टि के साथ साथ आने से भिवानी जिले के कई एकड़ पर हुई फसल तबाह हो गई। किसानों ने सरसों, जीरी व सब्जियों की फसल बो रखी थी। किसानों ने अब प्रशासन को मुआवजा देने की मांग की है। भिवानी के उपायुक्त सुजान सिंह से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना है कि किसानों की सुनवाई की जाएगी और किसानों की मांग के अनुसार सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी और स्पेशल गिरदावरी करवाई जा रही है। रिपोर्ट के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास खबर। मेरा नाम जसवंत सिंह है जी। जसवंत जी, जो ओलावृष्टि हुई है 2 दिन पहले, क्या कहेंगे आप? ये जो बेमौसमी जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है, इससे किसान को नुकसान होया है और जो जीरी लगाए हुए थे उनकी इस बारिश से और ओलावृष्टि से तो जो गेहूँ बुआरा कर रखे था उसमें भी नुकसान है और जिसने नहीं किया बुआरा उसका भी बुआरा होना मुश्किल है किसान ने, तो इसके बहुत नुकसान हुआ है और सरकार ने इसकी गिरदावरी करा के तुरंत प्रभाव से किसानों को मुआवजा देने चाहिए। मेरा नाम नवदीप है। नवदीप जी, क्या कहेंगे जो बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है, कितना नुकसान हुआ है? बारिश के साथ जो ये बेमौसमी बरसात हुई है इससे काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों, ओलावृष्टि हुई है इससे जीरी की फसल तो लगभग नष्ट हो चुकी है, सरसों के फूल भी जड़ गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारी तो यही है कि सरकार जो है ना स्पेशल गिरदावरी कराए इस मामले में और किसानों का जो है ना जो नुकसान है उसकी भरपाई हो, ताकि किसान अपना आगे सुचारू रूप से चल सके।